देखें दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बेबी आ चुका है हमारी इस कॉलोनी में। वाओ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। इधर माशाल्लाह से चार एप्पल पड़े हुए हैं, इधर भी बेबी आने वाले हैं। माँ ये रहा दोस्तों हमारा न्यू सरप्राइज माशाल्लाह से गुड़िया, माशाल्लाह इसका नाम हमने रखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजेदार है। चैनल पे न्यू है चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। इधर दोस्तों हमने अपने तमाम जो बर्ड्स हैं इनको सबको कवर किया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी मुर्गियां, हमारे तमाम पेट्स जो हैं इनको हमने रात को कवर कर दिया, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है दोस्तों और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है आजकल। फॉग का क्योंकि मौसम है, फॉग बहुत ज़्यादा होती है, तो रात को हमने इनको ढांप दिया था। अभी माशाल्लाह इनको ओपन करते हैं और आज हमारे सेटअप में माशाल्लाह बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आया है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं और इनको ओपन करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग रैबिट, कैसे हो? अभी भाई दाना देते हैं तुम्हें, थोड़ा सा वेट कर लो। भाई जो लैला मजनू है इनको अब्बू ने सुबह सुबह ही खोल दिया, क्योंकि इनको टेंशन नहीं होती ज़्यादा ठंड की। और हमारे जो राजा रानी है माशाल्लाह ये भी देखें, ये भी खुले होते हैं, क्योंकि रात को इस दरख्त के ऊपर बैठते हैं तो सुबह ये खुद ही नीचे आ जाते हैं। बाकी हमारी जो मुर्गियाँ हैं ये बेचारी सारी अभी तक पिंजरों के अंदर बंद हैं। लैला मजनू तो सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। और इधर हमारी तमाम मुर्गियाँ और बर्ड्स को मैंने कवर हटा दिया है, अभी इन सब को खोलते हैं। इनका नाश्ता भी आ गया है। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आ जाओ 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 आ जाओ। हेलो कैरेट, आ जाओ भाई मिनी फौज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गया इनका नाश्ता, बाजरा गंदम, अभी इनको डालते हैं। आ जाओ भाई, इस तरह से दोस्तों ये लाइन बना दी है ताकि ये आपस में लड़े। इनको भी दाना दे देते हैं, यार इनका क्या कसूर है, मैं तो याद ही भूल गया था। और माशाल्लाह जो हमारा पिजन बेबी आया था ये देखिए, जो बहुत ही बड़ा हो गया है, और एक बेचारा छोटा रह गया ये वाला, और वो बहुत ही बड़ा हो गया है। जिसके माँ बाप है ना ज़्यादा फीड उसी को करवाते हैं, इसी वजह से ये बेचारा छोटा ही रह गया है। आ जाओ आ जाओ। अभी दोस्तों रैबिट्स का चारा आ गया, देख जैसे इनको घास की बू आई है तो सारे देखो दरवाजे के पास इकट्ठे हो गए। बस अभी डालते हैं भाई, डालते हैं लो। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो भाई, ये लो रैबिट्स। इधर दोस्तों ये हमारे ये कोकोज और बजीज हैं ना, ये दो बजीज हैं और दो कोकोज हैं। यार ये बहुत जालिम हो गए हैं, ये हमारी डब के जो है ना सारे पर खींच रहे हैं यार, ऐसा ऐसा सब डब को ये देखें गंजा करते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो डब है ना यार इनको हम दोस्तों इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये वाला हमारा केज जो है ना ऊपर वाला ये खाली पड़ा हुआ है, जिसमें रात को मुर्गे हम बंद करते हैं असील वाली, उनका और भी केज पड़ा हुआ तो उनको उधर शिफ्ट कर देते हैं। और इधर अपनी जो डब है ना बेचारे इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ईजिली ब्रीड कर सकें। और इधर सारे हम अपने जो बजीज के पट्टे न्यू आ रहे हैं ना माशाल्लाह इनको इधर शिफ्ट कर देंगे। माशाल्लाह से दोस्तों जो हमारे तमाम पैरट्स हैं इनको सबको सुबह का नाश्ता मैंने दे दिया है, हमारे पैरट्स को भी सबको। तो अभी आपको सरप्राइज़ दिखाते हैं माशाल्लाह। ये रहा दोस्तों हमारा न्यू सरप्राइज़ माशाल्लाह से, ये न्यू छोटी सी बकरी हम लेके आए हैं, हमारी गुड़िया माशाल्लाह इसका नाम हमने रखा है। अभी अभी जो है दोस्तों इधर अपनी बकरियों को आज फिर से घुमाने फिराने के लिए आए हैं अपनी ज़मीनों में। और देखें इधर जो गधों वाले हैं उन्होंने माशाल्लाह देखें सब इधर गद्दे बांध रखे हैं, देखें हमारी ज़मीन में, क्योंकि हर तरफ जो ज़मीनें हैं गंदम की बिजाई हो चुकी है, सिर्फ यही हमारी ज़मीन है खाली पड़ी हुई थी। तो इंशाल्लाह कल हमने ट्रैक्टर वाले को बुला लिया, इंशाल्लाह कल हम भी हल चलवा लेंगे। आज देखिए इधर बन्नों की सफाई वगैरह जो है मुकम्मल कर ली है। तो अभी हमारे जो जानवर हैं ना इनको माशाल्लाह से धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, देखें सुकून कर रही है हमारी जो ये लाल गाय है माशाल्लाह। और माशाल्लाह दोस्तों ये मैं आपको गुड न्यूज़ दूं कि हमारी जो लाल गाय है माशाल्लाह ये गबन है माशाल्लाह, बहुत ही बिग गुड न्यूज़ आ चुकी है हमारे मिनी ज़ू में, और बहुत ही जल्द हमें इसका बच्चा देखने को मिलेगा माशाल्लाह से। दोस्तों डॉक्टर आए थे उसने चेक किया था माशाल्लाह से, 4 मंथ चल रहा है इसका, और माशाल्लाह इसका बच्चा बिल्कुल फिट फाट है, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसका बेबी हमारे सेटअप पर आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई है, जो हमारी लाल गाय है ना माशाल्लाह ये गबन है, और अल्हम्दुलिल्लाह से इसका चेकअप भी हो चुका है, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसका बेबी भी हमारे सेटअप पे आ जाएगा। और आज बहुत ही बिग गुड न्यूज़ आई है हमारे सेटअप पे, तो वो चल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कॉलोनी में, माशाल्लाह से गुड न्यूज़ आई है हमारी इस बजीज कॉलोनी में, देखो हमारे तमाम पैरट उधर इकट्ठे हो गए हैं, और अभी आपको दिखाता हूँ गुड न्यूज़। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बेबी आ चुका है हमारी इस कॉलोनी में। वाओ माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है,
और बहुत ही क्यूट है यार नन्ना मुन्ना सा। और इस मटकी में देखते हैं, इधर माशाल्लाह से चार एग्स पड़े हुए हैं, इधर भी बेबीज आने वाले हैं माशाल्लाह, इधर भी माशाल्लाह काफ़ी सारे एग पड़े हुए हैं। और ये हैं हमारे बर्ड्स इस छोटी कलोनी के। तो यार मैं तो सोच रहा था कि इस छोटी कलोनी को ख़त्म कर दूँ, लेकिन माशाल्लाह इसमें तो अभी ब्रीडिंग आना शुरू हो गई है। दोस्तों जो हमारी चूज़ों वाली मुर्गियाँ थी वो हमारे इस रूम में बंद हैं, तो अभी उनको खोल देते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हेलो कैसे हो सारे। तो ये रही हमारी चूज़ों वाली मुर्गियाँ, माशाल्लाह आते ही ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी दोस्तों, लेकिन मैंने इनको दवाई दी थी और ये ठीक हो गई हैं। इस मुर्गी के पांच चूजे थे चमकीली के, एक चूजा इसका मर गया था कल, अब भी इसके चार बचे हुए हैं, बाकी सबको मैंने दवाई वगैरह दी है, शुक्र है पहले से बेहतर हो गए हैं। दोस्तों अभी जो हमारा जैकी है ना माशाल्लाह, अब ये कहीं नहीं जाता, काफ़ी दिन घर बाहर रहने के बाद अब इसे भी समझ आ गई है कि घर के बगैर मुझे बाहर कुछ नहीं मिलना, अभी ये कहीं भी नहीं जाता माशाल्लाह। दोस्तों हमारे डॉग को देखें किस तरह सब डॉग एक ही जगह पर इकट्ठी हुई पड़ी हैं, धूप इंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह। देखें हाँ यार, जो हमारे बकरे थे ना माशाल्लाह वो चले गए हमारे सेटअप से, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कौन से बकरे, उस टाइम मैं सेटअप पे नहीं था तो भाई ने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी तो मुझे भेज दिया, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ हमारा यही एक ही बकरा बचा है छोटा सा, जो हम न्यू लेके आए थे, वो हमारे बकरे हमारे दोस्त को पसंद आ गए थे, वो दोनों बकरे ही ले गए अपने साथ। अभी अभी दोस्तों माशाल्लाह हमारी बकरियाँ बाहर से घूम फिर के आई हैं, और इधर माशाल्लाह से अबू जी ने भेरी की लांगियाँ उतार के रखी हुई इनके लिए, ये देखिए माशाल्लाह वाफिर मकदार में। जो हमारा भेरी का दरख्त है माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ा दरख्त है, गर्मियों को दोस्तों हमारी बकरियाँ हमारे जानवर इधर छाँव में सुकून करते हैं, और सर्दियों में हम इसकी लांगियाँ उतार के अपनी बकरियों को खिलाते हैं, और काफ़ी दिन हमारा गुजारा हो जाता है हमारी बकरियों का इस पर। तो आज की वीडियो का दोस्तों यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।